मॉर्निंग क्लास हम पढ़ रहे थे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स के बारे में हमने पढ़ा, ऑडियो विजुअल एड्स के सोर्सेज पढ़े थे हमने. अब हम आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड के, सबसे पहले हम आते हैं ग्राफिक एड्स पर. सबसे पहला इसके जो थे नॉन प्रोजेक्टेड एड के बहुत सारे टाइप थे. एक था ग्राफिक एड, डिस्प्ले, डायमेंशनल, ऑडियो एड्स एंड एक्टिविटीज. इसके अंदर हम सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिक एड. ग्राफिक एड के बारे में हम पढ़ते हैं जो बेसिकली क्या है, एक ड्राइंग है, एक आर्ट है, एक पेंटिंग है और राइटिंग है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, रिप्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं, किसी चीज़ को लर्निंग की पावर बढ़ा सकते हैं. तो ग्राफिक एड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. सबसे पहले ग्राफिक टीचिंग एड्स आर द इलस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेपिसिटेड ऑन टू डायमेंशनल सरफेस कंबाइनिंग ड्राइंग, पिक्चर्स, पेंटिंग एंड वर्ड्स. ग्राफिक एड्स प्रोवाइड नॉन वर्बल एंड विजुअल लर्निंग. नॉन वर्बल एंड विजुअल, नॉन वर्बल के अंदर क्या है, रिटर्न वर्क के साथ आप उसके अंदर पिक्चर्स, डायग्राम, पोस्टर्स ये सब भी ऐड कर रहे हैं. विजुअल लर्निंग आप प्रोजेक्टर के थ्रू या 3D पढ़ा रहे हैं या कोई चार्ट्स वार्ट्स सब उसको दिखा रहे हैं, तो वो विजुअल भी हो गया. एक्सपीरियंस क्या होगा इसके अंदर, मेंटल इसके अंदर लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन बढ़ता है और इंटरेस्ट बढ़ता है. तो ग्राफिक एड्स जो होता है वो हेल्पफुल होता है अरेस्टिंग स्टूडेंट अटेंशन, स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करता है ज़्यादा से ज़्यादा. इंफॉर्मेशन देता है सबको और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, कॉन्क्रीट आइडियाज एंड स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट. आइडियाज जनरेट करता है, इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करता है, ये सारी चीज़ें ग्राफिक एड के अंदर हम पढ़ते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले हम ग्राफिक एड के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे चॉकबोर्ड्स. चॉकबोर्ड्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि चॉकबोर्ड क्या है. क्लासरूम की एक लाइफ है. अपन जनरली हम छोटी क्लास में या स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ वैसे ब्लैक बोर्ड का यूज होता है जहाँ पे चॉक से लिखा जाता है, टीचर्स लिखते हैं चॉक से. तो ये क्या है, क्लासरूम की एक लाइफ है जिसको आप इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत चॉकबोर्ड के बारे में कि चॉकबोर्ड इज़ अ लाइफ ऑफ ए क्लासरूम. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज विजुअल एड बाय द टीचर. ये सबसे कॉमन यूज होने वाला विजुअल एड है जो टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग टीचिंग एटमॉस्फेयर. इससे टीचिंग का एटमॉस्फेयर बनता है. चॉकबोर्ड मस्ट बी इन एवरी क्लासरूम. हर क्लासरूम के अंदर चॉकबोर्ड होता है. ए चॉकबोर्ड इज अ ट्रेमेंडस हेल्प टू द टीचर फॉर एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग एंड गिविंग नोट्स टू स्टूडेंट. मतलब ये चॉकबोर्ड है वो हेल्प करता है टीचर की एग्जाम्पल्स देने में, एक्सप्लेन करने में, नोट्स प्रोवाइड करने में स्टूडेंट को, ये बहुत हेल्प करता है. चॉकबोर्ड इज जनरली इंस्टॉल्ड फेसिंग द क्लास विच इज आइदर बिल्ट इन टू द वॉल और फिक्स्ड एंड फॉर्म ऑन द वॉल. ये क्या होता है, वॉल दीवार के ऊपर फिक्स होता है. फिक्स भी हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है जो कि फिक्स ना हो. वो हम पढ़ेंगे चॉकबोर्ड्स के टाइप के अंदर. जनरल जो नॉर्मल चॉकबोर्ड होता है जो हम पुरानी छोटी स्कूल्स वगैरह में देखते हैं उसके अंदर वो क्या होता है कि दीवार के अंदर फिक्स होता है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं और वो एक रफ सरफेस होती है जिसके ऊपर आप चॉक से लिखते हैं. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चॉकबोर्ड में क्या होगा. सबसे पहले चॉकबोर्ड की जो सरफेस होगी वो रफ होगी और इनफ टू होल्ड राइटिंग ऑन दी बोर्ड. मतलब आप इतनी इनफ होगी कि आप आराम से उस पर लिख सकते हैं. और सरफेस ऑफ द बोर्ड शुड बी डल इनफ एंड एलिमिनेट ग्लेयर विद विच हैम्पर्स विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग ऑन द बोर्ड. और दूसरा, राइटिंग शुड बी इजीली रिमूवेबल विद द क्लॉथ और फॉर्म डस्टर. अब आप जो बोर्ड है उसके ऊपर जो लिखा हुआ उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं डस्टर के थ्रू या कोई भी कपड़े के थ्रू या फॉर्म के थ्रू आप उसको आसानी से मिटा सकते हैं. चॉकबोर्ड शुड बी माउंटेड ऑन एन अप्रोप्रिएट हाइट.
चॉकबोर्ड को पहले वाले क्लासरूम में अभी की देखा जाए तो एक एग्जैक्ट हाइट पर होता है, जिसे कि टीचर आसानी से उस पर लिख सकता है और स्टूडेंट जितने भी क्लास में बैठते हैं वो आसानी से उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये चॉकबोर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका जो रिकमेंडेड साइज है वो 5x6 है, 5x6 मीटर का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं। चॉकबोर्ड के बारे में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है जिसके बारे में हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी चॉकबोर्ड के बारे में, दूसरा आएगा रोलर चॉकबोर्ड, तीसरा आएगा मैग्नेटिक बोर्ड, चौथा आएगा ब्लैक सिरेमिक अनब्रेकेबल बोर्ड और ब्लैक एंड ग्रीन ग्लास चॉकबोर्ड, लोबी स्टैंड बोर्ड, एग्जीबिशन बोर्ड, डबल साइड स्टैंड बोर्ड, रिसेप्शन बोर्ड, ये सारे बोर्ड के टाइप है। तो सबसे पहले हम आएंगे ऑर्डिनरी टाइप के बोर्ड के ऊपर। तो ये क्या है, पोर्टेबल एंड एडजस्टेबल ब्लैक बोर्ड है जो कि पुट ऑन अ होल्डर, जो कि लकड़ी के ऊपर बना होता है, इजिल कैन टेकन आउट ऑफ द क्लासरूम टेकिंग द क्लास इन ओपन यूजफुल, मतलब ऐसा बोर्ड जिसको आप आसानी से क्लासरूम में इधर से उधर ले जा सकते हैं और उसके ऊपर आप आराम से राइट कर सकते हैं। और दूसरा आएगा रोलर बोर्ड, जो हमने जनरली बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि हम कोई बाहर से कोई टीचर्स वगैरह क्लास लेने आते हैं या जो बीए टीचर्स वगैरह होते हैं अपन जनरली देखते हैं, जो कि स्कूल्स के अंदर जो बीए टीचर्स वगैरह पढ़ाने आते हैं तो वो अपना खुद का रोलर चॉकबोर्ड लेके आते हैं जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, टॉपिक्स वगैरह उसको आप रोल कर सकते हैं इजीली और अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और इसकी इमेजेस हैं वो चॉकबोर्ड के टॉपिक के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। थर्ड जो आता है वो आता है मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड जो होता है वो जैसे मार्कर बोर्ड का यूज़ हम करते हैं, मार्कर बोर्ड जैसे होता है वैसे, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टर चला सकते हैं आसानी से, क्या बोलते पिक्चर्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, जो पिक्चर्स बोर्ड पे दिखाई जा सकती है आराम से क्लासरूम के अंदर 3D पिक्चर्स दिखा के आप आराम से पढ़ा सकते हो, लर्न करवा सकते हो, तो ये मैग्नेटिक बोर्ड के अंदर आएगा। ब्लैक सिरेमिक अनब्रेकेबल बोर्ड वो होता है इस टाइप का बोर्ड जिसके अंदर ये अनब्रेकेबल होगा, ये ब्लैक एंड ग्रीन दो कलर, इसके दो कलर्स आ सकते हैं, वाइट भी हो सकता है। ब्लैक एंड ग्रीन ग्लास चॉक बोर्ड भी होता है। लोबी स्टैंड बोर्ड जो बहुत सारी स्टैंड के ऊपर जो छोटा बोर्ड लगा होता है लोबी, उसको बोलते हैं लोबी स्टैंड बोर्ड। एग्जीबिशन में आप बहुत सारी जगह गए होंगे एग्जीबिशंस के अंदर, जिसके अंदर बोर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वो एग्जीबिशन बोर्ड, डबल साइड स्टैंड बोर्ड, रिसेप्शन बोर्ड, ये सारे हैं बोर्ड के टाइप। चॉकबोर्ड के जो यूज होंगे वो है, इट मेक्स ग्रुप इंस्ट्रक्शन मोर कॉन्क्रीट एंड अंडरस्टैंडेबल। ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्क्रीट मोर एंड अंडरस्टैंडेबल होगा, इट इज यूज प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली जब यूज करेंगे तो इट कैन स्टैंड ऑफ नीटनेस एक्यूरेसी एंड स्पीड, इट कैन बी रिस्टोर एंड अटेंशन ऑफ द ग्रुप। देन इसका जो अगला जो यूज आता है वो है, मैनी वेक्यू स्टेटमेंट कैन बी क्लैरिफाइड बाई ड्राइंग स्केचेस आउटलाइन डायग्राम्स डायरेक्शन एंड समरीज, ये सारे होंगे इसके अंदर। इनिशिएट ऑरल विजुअल सेंसेशन एंड हेल्प इन लर्निंग, इट कैन बी मीन ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इट कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस एंड स्टेटस, उसके बाद प्रोवाइड मैनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन द सर्कुलर एंड पोस्ट सर्कुलर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल है, जितने भी फैक्ट्स है, प्रिंसिपल है, प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है और असाइनमेंट है, ये सारे, या असाइनमेंट इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, या राइटिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, सोर्सेज, रेफरेंसेस, या फिर कोई डायरेक्शन के लिए, प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल ड्रिल एंड क्रिएटिव वर्क के लिए, ग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, या स्क्रीन ऑफ स्टिल पिक्चर्स, प्रोजेक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अनाउंसमेंट, क्लोजली सुपरवाइज स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इन सब के लिए होता है। टू स्टेट क्वेश्चंस टू गिव एग्जांपल ऑफ वर्क डिजाइन द पोस्ट प्रॉब्लम एंड टू लिस्ट सोर्सेज फॉर स्टडी, द
इसके बाद में क्या आएगा कि इसका जो लास्ट पॉइंट है द टीचर कैन इरेज राइटिंग एंड ड्राइंग एंड स्टार्ट अफ्रेश। बोर्ड का जो फायदा होता है वो ये होता है कि इसको आप आसानी से इरेज कर सकते हैं, उसके बाद वापस से इस पर राइट कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से फ्रेश तरीके से वापस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से लर्न करवा सकते हैं। तो ये इसका एक बुक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद रोल ऑफ यूजिंग चॉक बोर्ड, चॉक बोर्ड का यूज़ क्या है, उसका रोल क्या है कि अपन चॉक बोर्ड का यूज़ करते हैं। बोर्ड शुड बी केप्ट क्लीन ऑलवेज एंड यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स विद इरेज कैन बी मेड टू क्लीन द बोर्ड। बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसको। और लेटर्स एंड ड्राइंग शुड बी इन अ लार्ज साइज, जो अपन बोर्ड के ऊपर लिखते हैं उनको लार्ज साइज के अंदर लिखे वर्ड्स को, या अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी अवॉइड करें। और राइटिंग शुड बी इन स्ट्रेट रोज, मतलब एक सीधी लाइन के अंदर वर्ड्स को लिखें टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और डू नॉट टॉक एज यू राइट, जिस समय लिख रहे हैं उस समय बातचीत ना करें। फेस द ग्रुप आफ्टर राइटिंग द कंटिन्यू द डिस्कशन, एक्सट्रीम ग्लोबल कंसर्न एंड ब्लैक बोर्ड शुड नॉट बी यूज टू ऑल द मेंबर्स कैन नॉट सी, डू नॉट फिल द बोर्ड, ओनली साइलेंट फीचर्स हैव टू बी रिटन। मतलब बोर्ड को पूरा का पूरा नहीं भरे, उसके अंदर जो मेन जो पॉइंट्स है या टॉपिक्स है उन्हीं को आप राइट करें बोर्ड के ऊपर। डू नॉट यूज एब्रिविएशंस व्हाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड, द टीचर शुड इंश्योर दैट द क्लास इज अटेंटिव। यूज कलर चॉक, आप व्हाइट चॉक की जगह कलर चॉक भी यूज कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर, जो कि ज़्यादा थोड़ी सी इफेक्टिव दिखाती है और इंटरेस्ट बढ़ता है इस चीज़ से भी। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, आप बोर्ड के फ्रंट में आके ना खड़े हो, बल्कि स्टैंड ऑन वन साइड, बोर्ड के एक साइड में खड़े हो, ताकि आसानी से पीछे तक या जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबको दिखाई दे सके, या जो पढ़ रहे हैं उन सबको दिखाई दे सके। प्रैक्टिस यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें। यूज इन कंडक्टिंग लिटरेसी क्लासेस। उसके बाद आते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज में आएगा कॉन्वीनियंट विजुअल एड फॉर ग्रुप टीचिंग, ग्रुप टीचिंग के लिए ये सबसे बेटर ऑप्शन है। उसके बाद में इकोनॉमिकल टीचिंग एड्स, इट कैन बी यूज ओवर एंड अगेन। उसके बाद आएगा अकॉम्पनीड बाय द एप्रोप्रिएट एक्शन बाय अ टीचर एंड इलस्ट्रेशन ड्रॉन ऑन चॉक बोर्ड कैन कैप्चर स्टूडेंट अटेंशन। द चॉक बोर्ड कैन वर्क एज अ वैल्यूएबल सप्लीमेंट्री टीचिंग एड। नेक्स्ट आता है गुड विजुअल एड फॉर ड्रिल एंड रिविजन, ड्रिल और रिविजन के लिए। ड्रॉइंग इन लार्ज इलस्ट्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, ईजीली यूज फॉर गिविंग लेसन नोट्स टू स्टूडेंट्स, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। उसके बाद लिमिटेशन क्या है इसकी, कि इट मेक्स स्टूडेंट हैवीली डिपेंडेंट ऑन द टीचर। इसके थ्रू क्या होता है कि स्टूडेंट्स होता है वो सारे टीचर्स पर डिपेंड होते हैं, कि जब वो लिखेंगे तब वो उसको लर्न करेंगे, या वो सिखाएंगे बोर्ड्स पर लिख के तब वो उस चीज़ को लर्न करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिपेंड वाली चीज़ हो जाती है। इट्स लेसन द टीचर्स बेस। उसके बाद इट डज नॉट केयर फॉर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद में इट मेक्स द लेसन अ डल रूटीन, इट मेक्स चॉक पाउडर टू स्प्रेड एंड इनहेल्ड बाई टीचर एंड स्टूडेंट। जब आप बोर्ड पे लिखते हो चॉक से, तो उससे चॉक की जो डस्ट है इनहेल होती है स्टूडेंट्स टीचर्स, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉन्स्टेंट यूज ऑफ चॉक बोर्ड मेक्स इट स्मूथ एंड फुल ऑफ मीनिंग। उसके बाद जो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं ट्रैफिक एड्स के अंदर, वो होता है न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर एक सबसे ईजी, सबसे चीप और सबसे अच्छा सोर्स है आपको अपडेट रहने का। इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर इज फर्निश्ड मैनी एग्जाम्पल्स विच कैन यूज टू इंट्रोड्यूस लेसन। हेल्थ मैसेजेस कैन बी पब्लिश्ड इन लोकल लैंग्वेज, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो लोकल लैंग्वेज के अंदर पब्लिश्ड हो सकते होते हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। विच कैन रीच टू पब्लिक ईजीली, द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन लो कॉस्ट, मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है, हर कोई खरीद सकता है इसको। ईजी टू रीड एंड सिंपल लैंग्वेज, जिसको आसानी से आप रीड भी कर सकते हो,
जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर होता है. द पीपल मे लर्न टू रीड एंड इंटरप्रेट द कंटेंट अलॉन्ग द पिक्चर्स टू एनहेंस ईजी ग्रास्पिंग. अगर उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई पिक्चर्स दी गई हैं तो वो भी उसको समझने में थोड़ा ईजी पड़ता है. नेक्स्ट जो आता है वो ग्राफिक एड का है, वो है पिक्चर. पिक्चर के अंदर क्या होता है, ये आपको रियलिटी बताता है एनवायरनमेंट की. एनवायरनमेंट के अंदर जो रियलिटी है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता है. तो आप एक मान लो एक पिक्चर को देखते हैं, तो आप पिक्चर को देख के क्या फील करते हैं, उसके ऊपर उसके जो अंदर की जो स्टोरी है उसको आप रीड कर सकते हैं. उस पिक्चर को देख के आप क्या स्टोरी बनाते हैं वो भी आप सोच सकते हैं. उस पिक्चर से रिलेटेड एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप खुद इमेजिन कर सकते हैं. तो पिक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट ऑफ रियलिटी फ्रॉम लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ द मेन सर्टेन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पिक्चर. इट शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड इट शुड बी कलर्ड एक्यूरेट एंड सूटेबल साइज. ये कलर्ड भी हो सकती है, सूटेबल और एक्यूरेट साइज के अंदर हो सकती है, जिसको आप वॉच कर सकते हैं ईजीली. टू मैनी पिक्चर्स शुड नॉट बी डिस्प्लेड इन वन लेसन. बहुत सारी पिक्चर्स को आप एक ही लेसन के अंदर शो नहीं कर सकते हैं. इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द व्यू ऑफ द स्टूडेंट एंड सफिशियंट टाइम शुड बी अलाउड. मतलब आपको एक सफिशियंट टाइम तक वो पिक्चर्स को शो करना होता है और उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ग्राफिक एड्स का, वो है फोटोग्राफ्स. फोटोग्राफ्स क्या होता है, एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्डिंग. जो आप देख रहे हैं उसी को आप पिक्चर क्लिक करके विजुअल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है. तो एग्जैक्ट जो उस टाइम की जो सिचुएशन होती है वो उस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं. तो फोटोग्राफ्स के बारे में, एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्डिंग थिंग्स विल अकर इन रियल लाइफ सिचुएशन. रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताता है. इट मे बी वाइट एंड ब्लैक कलर. वाइट एंड ब्लैक पिक्चर भी हो सकती है और माउंटेड एंड अनमाउंटेड फोटोग्राफ पॉइंट हो सकता है. पर्सनल टीचिंग सिचुएशंस हो सकती है. विजुअल डिस्प्ले एग्जीबिशन एंड बुलेटिन बोर्ड से रिलेटेड हो सकती है. प्रोजेक्टेड विद ऑपेक प्रोजेक्टर. ऑपेक प्रोजेक्टर सूटेड टू टीच इलिटरेट. इफेक्टिव टीचिंग के लिए फोटोग्राफ मस्ट भी क्या करता है, स्टोरी बताता है. अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप कोई उससे रिलेटेड कोई पिक्चर दिखा रहे हैं तो पिक्चर क्या करेगी, आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसकी स्टोरी के बारे में पहले से ही बता देगी बच्चों को, और वो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें समझा सकते हैं पिक्चर के थ्रू, जिसका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि वो एक वन पॉइंट एग्जाम्पल होगा और वो प्लेन और सिंपल बैकग्राउंड के अंदर होगा और जो सब्जेक्ट होगा उसकी उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से शो करेगा और एक्शन इमोशन और यूजफुल होगा, इजी और अंडरस्टैंडिंग होगा. नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है ग्राफिक एड का वो आता है चार्ट्स. चार्ट्स के अंदर क्या होता है कि जो क्या होता है समरी के अंदर होता है. आप जितना भी बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं उसको एक समरी के अंदर आप लिखते हैं या पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं तो वो चार्ट्स के फॉर्म में होता है. और जो चार्ट्स होता है उसके अंदर क्या होगा, न्यूमेरिकल हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, पिक्टोरल हो सकता है, ये सारे आते हैं चार्ट्स के अंदर. चार्ट्स के जो मेन पर्पज क्या होते हैं, एक तो स्टडी को ईजी बनाता है, दूसरा क्या होता है रिलेशनशिप फिगर्स को शो करता है और प्रेजेंटिंग द मटेरियल सिम्बॉलिकली टू शो कंटिन्यूटी इन प्रोसेस. प्रोसेस की कंटिन्यूटी को शो करता है. प्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन विजुअल फॉर्म. शोइंग डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड स्टिम्युलेटिंग थिंकिंग. प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है और थिंकिंग को क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है और डेवलप करता है स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा. चार्ट्स के जो यूज़ है, यूज़ ऑफ चार्ट्स या रूल ऑफ यूज चार्ट इफेक्टिवली. चार्ट्स को आप इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो है इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ चार्ट. स्टूडेंट को पूरा का पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है चार्ट की प्रिपरेशन के लिए. एवरी डिटेल डेपिशिएटेड इन चार्ट शुड बी विजिबल टू ऑल पीपल इन द क्लास. सारी डिटेल्स उसके अंदर विजिबल होती हैं. इट शुड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली वन स्पेसिफिक एरिया ऑफ सब्जेक्ट. कि इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता ओनली वन एरिया के अंदर. और इट शुड
कॉजेस नीट अपीयरेंस और एक नीट अपीयरेंस शो करता है चार्ट है जो टीचर शुड मेक श्योर द देयर इज अ प्रोविजन फॉर हैविंग द चार्ट एट अ वेटेज पॉइंट. टीचर्स जो होते हैं वो चार्ट्स को एक बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स मानते हैं स्टडी का. यूज द पॉइंटर टू पॉइंट द स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ चार्ट. चार्ट के जो स्पेसिफिक फैक्टर्स या स्पेसिफिक जो पॉइंट है उसको शो करने के लिए आप पॉइंटर का यूज करें, जिससे कि वो थोड़ा उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी और जो मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी या सब उसको बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे. चार्ट शुड बी केयरफुली स्टोर्ड एंड प्रिजर्व फॉर यूज इन फ्यूचर. चार्ट्स होते हैं उनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए भी. और उसके बाद चार्ट के जो टाइप है वो बहुत सारे हैं. नैरेटिव चार्ट्स हैं और चेन चार्ट्स, एवेल्युएशन चार्ट्स, स्ट्रिप ट्रीज चार्ट्स एंड पुल चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और ट्यूबुलेशन चार्ट्स. इन सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जिनकी इमेजेस है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं इसके अंदर. थैंक यू.